ये हर तरह से पास है, क्योंकि इस फिल्म में भारत की कहानी दिखाई गई है, भारत के परिवार की कहानी दिखाई गई है, जहाँ परिवार का आपस का बॉन्डिंग क्या होता है, बेटी का पिता से बॉन्डिंग क्या होता है, माता से बेटे का बॉन्डिंग क्या होता है, दोस्त, फ्रेंडशिप, गांव का कल्चर। और मुझे ऐसा लगता है कि बहुत दिनों के बाद आफ्टर नदिया के पार मैंने गांव की एक खूबसूरत फिल्म देखी है जो बनारस में शूट की गई है। और बनारस से मैं समझता हूँ कि ये सिर्फ बनारस में शूट नहीं की गई है, ये हर रस से बना कर शूट की गई। सो आई एम गुड कॉन्फिडेंट कि पब्लिक इसको पसंद करेगी 100%। दिक्कतों का सामना तो हर किसी को करना पड़ता है, बट क्या है ना कि फिल्म मेकिंग इज़ ऑल अबाउट पैशन। अगर आपका पैशन है, आप ऑनेस्ट हैं अपने एफर्ट्स में, अपने क्राफ्ट। बट वी आर ग्लैड इट्स फाइनली आउट एंड यू गाइस गेट टू वॉच अस लाइव ऑन स्क्रीन। कल रिलीज हो रही है, आप सबसे हाथ जोड़कर विनती है, प्लीज आकर देखिएगा मैट्रिक पास 18 अक्टूबर आपके नजदीकी सिनेमा। ग्रेट वर्क इन द फिल्म और इवन अनुज, इनकी केमिस्ट्री बहुत अच्छी लग रही है। बहुत ही नीट एंड क्लीन फैमिली फिल्म है और कशिका के अलग अलग रूप आपको फिल्म में देखने को मिलेंगे। एक्साइटेड तो बहुत है, नर्वसनेस है, जैसे कि हर हफ्ते एक बहुत बड़ी बड़ी फिल्में रिलीज होती है, तो उसमें हम भी कूद गए हैं और एक मैसेज फिल्म लेकर आए। न्यू फिल्म और आप लोग देख सकते हैं कि कशिका ने बहुत मेहनत की है पिक्चर में। बहुत बचपन से ही कशिका जब भी कोई भी काम हाथ में लेती है तो उसे पूरा करके रखती है। प्रदीप भाई और हमने पोस्टर लॉन्च की शुरुआत की थी और फाइनली आई थिंक बड़े पर्दे पे रिलीज के डेट पे आ रही है। तो अभी मैं चाहता हूँ कि सुनील भाई कुछ बताएं। ये फिल्म मुझे, मैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई तमाम हिंदुस्तानी भारतीय परम्परा से जुड़े हुए हर परिवार से कहूँगा कि ये फिल्म ज़रूर देखें, क्योंकि इसमें हमारे भारत की कहानी करिए हम दोनों। और फिल्म बहुत ही अच्छी बनी है, मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगा आप लोग जाके इसको देखें और अपनी अपनी राय दें और फिल्म को बहुत सारा प्यार दें। थैंक यू। और मेरे लिए तो बहुत खास मौका है, फिल्म तो बहुत अच्छी थी, म्यूज़िक भी बहुत अच्छा था, बट जो खास बात ये है कि मेरे बेटे ने इसमें गाना गाया, तो ये मेरे लिए बहुत खास बात थी। आशा का जो गाना था वो बहुत इन्जॉय किया सबने। और ये मैं कह सकता हूँ सिर्फ इसलिए नहीं कि मैंने काम किया है, इसलिए कि इस फिल्म का सब्जेक्ट, इस फिल्म को बनाने के पीछे मकसद बहुत अच्छा है और सारे एक्टर्स ने बहुत खूबसूरत काम किया है। नीचे का डिपार्टमेंट स्पॉट से लेके हर डिपार्टमेंट, आर्ट डायरेक्शन, बैकग्राउंड म्यूजिक, सब कुछ इतना अच्छा है। एडिटिंग खूबसूरत फिल्म है, एक छोटी प्रोड्यूसर की एक बहुत अच्छी कोशिश है। प्लीज़ आप सब लोग अपने माध्यम से इस फिल्म को बढ़ावा दें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें।